Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. We completed the trigonometric ratio and now some application of trigonometric. Yesterday we discussed some basic example of application of trigonometric. Now we next start the next question. And अभी basics कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर hot question और VI important questions लेंगे. अब देखिए किस तरह क्वेश्चन है, किस एंगल से देखें हमको परफेक्ट दिखाई दे. सिंपली क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन क्या है, एक पोल है. ये बोला कि एन इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन मतलब रिपेयर करने वाला, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. कितने मीटर की हाइट का एक पोल है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि वो एक 5 मीटर का क्या है, एक पोल है मेरे पास. क्या है, एक 5 मीटर का मेरे पास क्या रखा हुआ है, पोल है. तो मैंने क्या किया, एक पोल बना लिया ये 5 मीटर का, ठीक है. ये धरती पे रुका हुआ है ना, ऐसे ठीक है. थोड़ा सीधा बना लेते हैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा, ठीक है. ऐसा कुछ एक पोल है मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोल है. कितना मीटर का है वो, 5 मीटर का. ये बोला है ना, एन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर एंड सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो टॉप ऑफ द पोल ऑफ अंडरटेक रिपेयर. ये बोलना चाह रहा है कि सपोज कर हमारे पास एक रिपेयर का खंभा है, ठीक है, इसको हम पोल बोलते हैं. उसके एग्जैक्ट ऊपर क्या वायर जा रहे हैं, तो ऐसा है नहीं हमारे पास सीढ़ी हमारे यहाँ पे आएगा. अगर सीढ़ी यहाँ पे आएगी तो मैं उसको ऊपर चल जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे यहाँ तक पहुंच जाऊंगा ना, तो मैं उसकी रिपेयर अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा. तो कहने का मतलब मेरी सीढ़ी यहाँ तक आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हो गया कर सकूं. देखो सपोज करो ऐसा था मेरे पास ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, यहाँ तक मेरी सीढ़ी रहेगी. जैसे सपोज करो ये मेरे पास सीढ़ी है मेरी, ठीक है, ऐसे कुछ सीढ़ी थी मेरे पास, ये लैडर है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे आराम से खड़ा होकर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे खड़ा होकर. अगर सपोज करो मेरे पास ये पोल यहाँ तक गया, तो मैं उसकी रिपेयर अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा. ये ऐसा कुछ होता है ना आपके पास इलेक्ट्रिशियन वाला, ठीक है, कुछ ऐसा होता है. तो इस तरह से ये बोलना चाह रहा है कि टोटल लेंथ है ना मेरे पास ये वाली कितनी है, ये 5 मीटर की है, ये 5 मीटर की है. अब आगे पढ़ जाओ क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम सेट कर देंगे, ठीक है. अब ये बोलना चाह रहा है कि ये रिपेयर 1.3 मीटर बिलो, तो कितना यहाँ पे ये, ये 1.3 मीटर बिलो है यहाँ पे, 1.3 मीटर. तो यहां तक कितना चल जाएगा, ये 1.3, तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास, ये कितना बचेगा, अभी करते हैं इसको कैलकुलेशन करके, ठीक है. तो कहने का मतलब ये था मेरे पास टोटल हाइट 5 मीटर थी, 5 मीटर से थोड़ी नीचे 1.3 मीटर के ऊपर मेरी सीढ़ी यहां तक आ रही है. अब ये बोलना चाह रहा है कि रिपेयर्स द वर्क, what should be the length of the ladder that C would use which में the incline at angle of 60 degree. जो 60 degree at horizontal से कितना degree का angle बना रही हो, 60 degree angle बना रही हो. ये question में बोल रहा है to the horizontal would enable her to reach the required position. तो मतलब वो required position पे वो पहुंच सके, बस ये पूछा था. इसका नाम करने देता और ये दूसरा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वो जो फ्रंट है ना आपके पास, जो फुट है उसके, फुट से वो कितनी दूरी के ऊपर सीढ़ी लगाएगी. मतलब ये डिस्टेंस भी पूछ रहा है और ये इसकी लेंथ, लैडर की लेंथ भी पूछ रहा है. तो हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे इस क्वेश्चन में. बच्चे क्या करते हैं, इसकी लेंथ को बड़ी देख करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन हमको छोड़ना नहीं क्वेश्चन. क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिखने में बड़ा दिखता है क्वेश्चन, जब पढ़ते हैं तो बहुत ही, अब देखना ये 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे. तो अब ये बड़ा देख कर क्वेश्चन मत कीजिए, बस सिंपल क्या बोला, पोल तो पोल बना लीजिए 5 मीटर का, और 5 मीटर के बाद क्या बोला, 1.3 मीटर क्या है, बिलो है, बिलो मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से, तो 1.3 ले लिया मैंने. तो मैंने इसका नामकरण किया, सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और इसका नाम दे दिया मैंने डी. अब मेरे को ये बताइए कि मेरे पास AC, जो AD लेंथ दे रखी, कितनी दे रखी, AD इज इक्वल टू मेरे पास 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे CD कितनी दे रखी मेरे पास, AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास AD माइनस का क्या कर दूंगा मैं, CD, ठीक है, AC माइनस CD. तो मेरे पास 5 में से 1.3 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास AC कितना जाएगा, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 0.3 का, तो 3.7. एक बार फिर देख लीजिए, 4 1 10 3 4 5, तो हमारे पास 3.7 मीटर. तो ये कितना जाएगा मेरे पास, 3.7 मीटर. खुद देखिए, अब मैंने क्या बोला था, जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो. इसको क्या बोलते हो आप, बेस बोलते हो.
उसके सामने वाले क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। हमको निकालना क्या है, देखो ये मेरे पास गिवन दे रखा है और निकालना क्या है, ये फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने को कॉल करेंगे। अब ये कॉल में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज दे रखी है। सबसे पहले देखेंगे कि जो थीटा बन रहा है उसकी साइड्स वाला बेस होता है, उसके ऊपर जो वाला परपेंडिकुलर होता है। फिर ये देखेंगे कि मेरे पास क्या चीज दे रखी है और क्या फाइंड करना है। ये तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये क्या मेरे पास हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा में आ रहा है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है मेरे पास। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ए सी दे रखा है, हाइपोटेनस मेरे पास बी सी दे रखा है, ठीक है। अब ये मेरे पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री का एंगल दे रखा है और ए सी मेरे पास फाइंड करना था ना, 3.7 दे रखा है, बी सी मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करना, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी, साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2 होता है मेरे पास। ये हो जाएगा बी सी 3.7 अपॉन बी सी। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इधर चल जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो बी सी आएगा वो हो जाएगा 3.7, ये 2 ऊपर चल जाएगा और रूट 3 नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास आंसर होगा वो आंसर लिख देंगे। तो ये मेरे पास मीटर में आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्या, बस कुछ नहीं करना था, एक इलेक्ट्रिक पोल को क्या करना था, खड़ा करना था। इलेक्ट्रिक पोल करते हो 1.3 नीचे था तो टोटल बची 3, बट ये माइनस प्लस तो आपको आते ही होंगे प्लस माइनस में, क्योंकि 5 में से 1.3 गया, 3.7 बचेगा। अब ये देखना जहां से एंगल बनता है उसको बोलते बेस, उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते, जो बच गया वो हाइपोटेनस। फिर ये देखेंगे फाइंड क्या करवा रहा है क्वेश्चन में। अगर वो फाइंड सपोज करो हाइपोटेनस करवाया था, दे क्या रखा है, हमारे पास गिवन क्या है और फाइंड क्या करवा रहा है। तो गिवन और फाइंड में क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। अब ये देखेंगे P by H किस में, साइन थीटा होता है, तो मैंने लिखा साइन 60 दिस बाय दिस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कितनी दूरी के ऊपर, इसको करना चाहिए, देखते हैं कैसे करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दीजिए। इसको सोल्व कीजिए, लगभग अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा 4.28 के आसपास आएगा। ये कितना आ जाएगा, 4.28 मीटर में आएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या फाइंड करना है और क्या दे रखा उसका रिलेशन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका क्वेश्चन यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करना क्या है, इसी का क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पार्ट में क्या बोला उसने। अब सेकंड पार्ट देखिए सर क्या बोलना चाह रहे हैं। अब सेकंड पार्ट को हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, देखिए। अब सेकंड पार्ट में देखिए, अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है हाउ मेनी फार फ्रॉम द फुट, तो फुट से कितनी दूरी पे। अब इसको मैं हटाता हूं, अब ये पूछ रहा है कि ये फाइंड करना है, ये वाली है ना। तो अब ये देखेंगे बेस और ये किस में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये देखना है कि पी और बी किस में रिलेशन है, ये वाला टैन थीटा रिलेशन है। तो हम लिख देंगे टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ए सी बाई बेस कितना यहाँ पे ए बी है, ठीक है। अब हमारे पास टैन थीटा कितना दे रखा है, टैन 60 दे रखा है, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3.7 दे रखी है। बेस की वैल्यू फाइंड करना है जिसको हम ए बी बोल रखा है, और टैन 60 कितना होता है, रूट 3 होता है, 3.7 अपॉन ए बी। तो यहां से ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहां से ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। 3.7 डिवाइडेड बाई रूट 3, ये मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। बस यहां तक लिख दो, पूरे 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। सोल्व करना चाहोगे रूट 3 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1.732 पुट करके सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, आपको खुद ने देखा होगा सिंपल, लेकिन क्वेश्चन बस लेंथी लिख रखा है, उसके लैंग्वेज को पढ़िए सिंपल, एक एक पॉइंट पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर, लॉन्गर मतलब लंबा है, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 40 मीटर जो उसकी, जो मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, एक टावर है मेरे पास, ये ले लीजिए टावर, सपोज करो ये मेरे पास एक टावर है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है एक टावर, अब देखिए जब कभी भी आपके पास एंगल ज्यादा, सपोज करो 90 डिग्री एंगल है, फिर देखो कम हो रहा है, फिर देखो कम हो रहा है ना,
अगर जिसका ज्यादा एंगल होगा वो ज्यादा मतलब इंक्लाइन होगा, सॉरी ज्यादा कम इंक्लाइन होगा, और जिसका एंगल कम होगा वो कम इंक्लाइन होगा, जिसका ज्यादा एंगल होगा तो वो थोड़ा इसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा एंगल बनेगा। तो कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि शैडो ऑफ अ टावर इज स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हमने खड़ा कर दिया इसको, एक मेरे पास टावर था, ठीक है, इस टावर को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ये बोलना चाह रहा है कि जो 40 मीटर लंबा रहेगा, 40 मीटर लंबा रहेगा, कब रहेगा, ये ऐसे दो क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब दो डायग्राम टाइप, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ए शैडो व्हेन ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, ठीक खड़ा कर दिया, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लंबा रहेगा, 40 मीटर लंबा कब होगा, सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे ए था, एक यहाँ पे बी था, एक यहाँ पे सी था, एक यहाँ पे डी था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अब देखिए 40 मीटर लंबी किसकी रहेगी, सपोज करो मेरे पास बी ए लिया, बी ए अगर 30 होगा तो बी सी कितना होगा, 30 से ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा। अब देखिए, फिर देखिए, अगर सपोज करो मैंने ए बी की वैल्यू 10 ली, तो क्या बी सी की वैल्यू 10 होगी, नहीं होगी, तो बी सी की वैल्यू ए बी से ज्यादा होगी ना, लॉन्गर होगी। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, अगर ये 40 मीटर है ना बीसी वाली, अगर बीसी वाली 40 है, अगर ये एक्स होगी ना, तो ये एक्स प्लस 40 हो जाएगी। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहे हैं कि लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, तो 40 मीटर लॉन्गर कब होगा, जब उसकी छाए, सपोज करो उसकी शैडो बनेगी मेरे पास, ये शैडो बन रही होगी यहाँ पे, ठीक है, शैडो बनेगी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन इज एल्टीट्यूड 60 डिग्री, 60 डिग्री पे जब एल्टीट्यूड रहेगा, 30 डिग्री पे एल्टीट्यूड रहेगा, तो वो बोल रहा है कि फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर कब, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का जब एल्टीट्यूड रहेगा उसकी शैडो 40 मीटर लॉन्गर रहेगी, कब, जब व्हेन इट इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री रहेगा जब मानेंगे, ठीक है, ये होगा मेरे पास। अब कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू एक्स। मैं क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो। ये बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक टावर था, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे स्टैंडिंग किया गया। अब ये बोलना चाह रहा है कि इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड है, मतलब शैडो बन रही है, और शैडो जो बन रही है 40 मीटर लंबी है, जब 40 मीटर लंबी बहन सन 30 डिग्री का जब एंगल होता है 40 मीटर लंबी है, किसकी कंपेरिजन में बहन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना मेरे पास, उससे क्या है, वो 40 मीटर लंबी है जब 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो फाइंड हाउ टावर की हाइट फाइंड करना, इसको मैंने मान लिया एच। देखो इसमें क्वेश्चन दो तरह से करना है इसको, ठीक है, आपको अच्छा लगे उसी तरह से करना है, ठीक है, एच होगा। अब देखिए इसमें सबको पता है मेरे पास, अगर मेरे पास ये बेस ये है, अगर मेरे पास 60 डिग्री एंगल ये बन रहा, तो ये बेस नहीं बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम चेक करेंगे क्या पी और एच में रिलेशन किसका है, पी और बी में रिलेशन किसका है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ रहा होगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, तो पंडित मेरे पास कितना है परपेंडिकुलर, कितना मेरे पास हाइपोटेनियस है, और बेस मेरे पास कितना है, यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है, ए बी काम कर रहा है, मतलब एच बाई एक्स कर रहा है, और टेन कितना है यहाँ पे, टेन 60 था। तो कहने का मतलब मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, इसमें ये ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इस ट्राइंगल का मैंने यूज किया है, तो मेरे पास टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एक्स, ठीक है। अब टेन 60 कितना होता है, रूट थ्री होता है एच बाई एक्स, जो मेरे पास एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू एक्स मीटर, ये मेरे पास एच क्या आ रहा। अभी पूछा तो हाइट था मेरे पास, हाइट आ तो गई रूट थ्री एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू उनको पता नहीं है, ये क्वेश्चन में था। सबसे पहले देखना है, ये बोला था 40 मीटर लंबी शैडो बन रही है जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन कब, जब 60 डिग्री से आ गया ना, 60 डिग्री पे बन रहा था, उसकी जो शैडो बनेगी उससे भी 40 मीटर लंबी बनेगी, 30 डिग्री का एंगल होगा, ये बोला क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने देखा कि एच और एक्स में रिलेशन देख लिया मैंने ये वाला। अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ट्राइंगल क्या आ रहा है मेरे पास, ट्राइंगल देखिए ए सी एंड डी,
एसीडी में देखिए 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो मेरे पास कंप्लीट ये बेस बन जाएगा इसका, है ना, कंप्लीट बेस बनेगा ये और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी होता है ना, पी तो मेरे पास होगा एच और बी कितना मेरे पास यहाँ पे 40 प्लस एक्स रखना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा था, इतनी थी मेरे पास बेस। अब 60 के बाद ये बोल रहा कि 40 मीटर लॉन्गर है, 40 मीटर लॉन्गर मतलब 40 प्लस समथिंग जो भी होगा उसकी क्या होगी, शैडो बनेगी। तो 40 प्लस एक्स किया मैंने, 30 होता मेरे पास 1/√3 और ये हो जाएगा एच बाई 40 प्लस एक्स होगा। अब इसका कल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये मेरे पास जो बनेगा 40 प्लस एक्स है ना इज इक्वल्स टू √3 एच। ये आ गया, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया मैंने सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करते, एच की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते, नहीं तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, एक्स को रिमूव कर लें। अब मेरे को एच चीज एक्स की वैल्यू उठा के यहां से पुट कर रहा हूं तो मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा, यहां से एक्स हो जाएगा यहां से एच अपॉन √3। अब ये जो एक्स की वैल्यू से पुट कर देता हूं मैं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स को रिमूव करना था 40 प्लस एच बाई √3 इज इक्वल्स टू √3 एच हो गया, ठीक है। अब फिर देख लीजिए, एक टावर था, कितनी हाइट का पता नहीं है, ये बोला था उसकी जो शेडो बनेगी 40 मीटर लंबी होगी या 30 डिग्री के एंगल होगा, किसी कंपनी में 60 डिग्री के एंगल। सबसे पहले नेचुरल एक्स में रिलेशन निकाला, अब बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, एच को मैं रिप्लेसमेंट करूंगा, आपको क्वेश्चन समझ में बैठ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसके बाद मैं डायग्राम हटा देता हूँ। अब डायग्राम का कोई इतना यूज नहीं है मेरे पास, अब डायग्राम का इतना यूज है नहीं। अब देखिए इसको सोल्व करना क्वेश्चन को। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन ये था, अब इसे सोल्व करना, देखिए ये 40 का एच डी रखा मैंने और ये जो एच था मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा √3 एच माइनस एच अपॉन √3। मैंने इसमें क्या किया, एलसीएम लिया, जब एलसीएम लूंगा तो √3 एलसीएम आएगा मेरे पास, है ना, तो इसका तो 1 था तो ये जब इस पे पुट करेंगे तो 3 बनेगा, 3h माइनस h बनेगा, ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये मेरे पास 40 के बराबर चल ही रहा था तो ये 3h में से 1h का कितना बचेगा, 2h बचेगा और ये मेरे पास √3 था, ये 40 था मेरे पास। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मेरे पास h बनेगा तो ये तो ऊपर जाएगा 40 √3 डिवाइड, ये 2 नीचे चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा 20 तो मेरे पास h कितना हो जाएगा 20√3 तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। देखो क्वेश्चन सिंपल सा था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या करना था क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए एक बार फिर। ये बोलना चाह रहा था कि एक मेरे पास टावर है ग्राउंड पे खड़ा हुआ, ठीक, खड़ा रहने दो। अब ये बोल रहा है कि 40 मीटर लॉन्गर उसकी शैडो बन रही है, कब बन रही है, 30 डिग्री का एंगल होगा, 40 मीटर लंबी है उसकी, तो 40 मीटर लंबी होगी तो नहीं उसके पास में बनेगी, 40 मीटर लंबी मतलब कंपेयर टू अदर, तो 60 डिग्री पे जो एंगल बन रहा होगा उससे कितनी दूरी पे है वो, 40 मीटर लंबी और है तो 40 तो मतलब प्लस की है ना, तो 40 तो आगे कर देंगे, एक्स इधर ले लेंगे। तो मैं डायग्राम बनाया था, तो फर्स्ट लेसन मैंने ये देख करके ये निकाला था एच इक्वल टू √3x, सेकंड वाला मैंने ये लिया था बड़े वाला ट्रायंगल लिया था मैंने एसीडी के अंदर ये लिया था। अब ये मेरे पास लेसन आगे हमको फाइंड करना था एच, अब इसको एक्स भी निकाल सकते हो, एच की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए तो हमारे पास एक्स कितना जाएगा, एक्स हो जाएगा एच की वैल्यू मैंने रख दी 20√3 अपॉन में √3, √3 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूछा नहीं बस एक्स, तो हमारे पास पूछा था ये हाइट पूछी थी बस, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स द फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखो मैंने बनाने की कोशिश की है, आपके पास ब्रिज देखा होगा आपने, जैसे ऐसे आपके पास गाड़ियां जा रही है ऐसे ऊपर से, तो उसका अगर ब्रिज होता तो मेरे पास अगर उसको पानी बहाने के लिए क्या करते हो, अब ऐसे होता है नीचे, अगर नीचे से पानी जा रहा होगा तो ऊपर से आपका ब्रिज रहता है, तो ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक रिवर है, रिवर पास और इसके ऊपर से एक ब्रिज है, तो मेरे पास ये ब्रिज की स्लाइड्स के जो नीचे पिलर्स दे रखे हैं ना, ये पिलर्स है इधर साइड में, तो ये पानी फ्लो तो हो रहा है ना ये वाला, ये इसकी विड्थ बताने कितने, मतलब ये चौड़ाई में इसका पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, इस चौड़ाई में कितना पानी जा रहा है वो हमको बताना है।
अब ये बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान ले मैंने एक पॉइंट यहाँ पे एक पी पॉइंट लिया, किसके ऊपर ले रहे हैं पी पॉइंट, ब्रिज के ऊपर ले रहे हैं। अब ये ब्रिज से ये बोलना चाह रहा है कि डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल हमेशा ऊपर बनता है, तो डिप्रेशन एंगल अगर मेरे पास ऊपर मिलता है तो अगर मैंने ये लाइन अगर ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और ये मेरे पास परपेंडिकुलर दे रखी, किसी ने बोला कितनी दे रखी हो 3 मीटर की दे रखी है, ये बोला ना देखो ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, तो 3 मीटर की हाइट के ऊपर एक ये था मेरे पास, ठीक है। अब ये बोलना चाह रहा क्वेश्चन के अंदर कि जो आपके पास ये जो बनता है ना मेरे पास ये वाला जो डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल ऊपर जाता है ना ये वाला ऐसा कुछ, तो ये अगर मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ से तो ये इसका डिप्रेशन एंगल था ये एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना, ये जब आप ऐसे बनाएंगे तो ये एक्स बनेगा उसका ना एक्स एक्सिस, तो ये जो डिप्रेशन एंगल दे रहा है कितना कितना दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो 30 डिग्री दे रखा है। और दूसरा ये बोल रहा है कि डिप्रेशन एंगल जो जा रहा है मेरे पास ये उसकी विड्थ बतानी थी मेरे पास, और वो डिप्रेशन एंगल कितना दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ब्रिज में थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन में बोला क्या है मेरे पास, ये पानी बह रहा है, बहने दीजिए आप पानी से मत डरिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला था आपके पास एक ब्रिज है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास ब्रिज है, ठीक है, ये ऊपर का ब्रिज गाइडे जा रही है ऐसे, उसका पानी इसके नीचे जा रहा है। अब ये देखेंगे कि ये जो चौड़ाई है ना इसकी चौड़ाई ये कितनी है, ये पूछा क्वेश्चन के अंदर, तो ये बोल रहा है कि ब्रिज के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है पी, उससे एक डिफ्रेक्शन एंगल बोल रहा है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ से बनता है, मैंने जो एग्जांपल दिया था कि छत से देख करके मैं नीचे देख रहा हूँ बोल को तो डिफ्रेक्शन एंगल नीचे आएगा, तो मेरे पास मैंने क्या किया एक पी पॉइंट से उसका जो फर्स्ट वाला इधर वाला कॉर्नर था राइट वाला, तो उसे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला 45 डिग्री का। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर मेरे पास अगर टू ये लाइन कैसी है, देखो ये जो लाइन जा रही होगी मान लेते इसको ए बी, ठीक है, इसको नाम दे दिया सी डी, सी डी, ये क्या दोनों पैरेलल लाइन है, अगर तो पैरेलल लाइन है, अगर इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर जो ये एंगल मान थीटा बनता है तो ये भी एक एंगल थीटा तो बनता है, ये मैंने आपको बताया था, ये कौन से एंगल होते हैं मेरे पास ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं ना ये वाले पास, तो ये मेरे पास अपोजिट एंगल से तो सेम होते हैं मेरे पास, अगर तो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन वाले तो ये एंगल भी बराबर होता है, ठीक है ना, ये वाला थीटा तो ये थीटा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये थीटा है 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, बस क्वेश्चन आपका होगा। और ये क्वेश्चन में दे रखा है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है मेरे पास एच जो दे रखी है 3 दे रखी है ना, एच दे रखा है 3 मीटर, ठीक है, ये मेरे पास हाइट इसकी दे रखी है। अब फिर देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर, अगर मेरे पास टू पैरेलल लाइन होती है, एक लाइन ये है ए बी एक लाइन सी डी, अगर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी है तो ये जो वर्टिकल एंगल जो मेरे पास होते हैं ट्रांसवर्सल जो एंगल होते हैं मेरे पास ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर, वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, ये वर्टिकल होता है ना वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट जो ट्रांसवर्सल एंगल बोलते हैं, तो ट्रांसवर्स एंगल बराबर होते हैं, सबको पता है कि दो मेरे पास पैरेलल लाइन उसको अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो वर्टिकल लाइन जो होती है वर्टिकल अपोजिट लाइन वाली, तो उसमें क्या होता है मेरे पास ट्रांसवर्सल एंगल भी बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन में बोला उसने, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या बोला था, एक पॉइंट था पी ब्रिज के ऊपर, अब ये देखिए अब सबको पता है कि मेरे पास अगर ये पी पॉइंट था तो अगर मेरे पास ये पी पॉइंट था तो ये जो मेरे पास दे रखा 30 डिग्री इधर से बना था ना ये वाला 30 डिग्री इधर से था तो मेरे पास ये भी 30 डिग्री बन गया था, अगर ये मेरे पास इधर 45 डिग्री था तो ये भी कितना बना था 45 डिग्री बन गया, तो ये 45 डिग्री ये था तो ये 45 बन गया, ये 30 था मेरे पास तो ये 30 डिग्री बन गया, ये मेरे पास हाइट दे रखी थी 3 मीटर, इसका नाम मैंने पहले दे चुका पी, इसका नाम लिखता हूँ बी, इसका नाम लिखता हूँ ए, इसका नाम लिखता हूँ सी, ठीक है। मेरे को ये हमको फाइंड क्या करनी है, हमारे पास फाइंड करना विड्थ, तो विड्थ मेरे पास कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी ए बी प्लस बी सी हो जाएगी, तो ये निकालनी पहले ए बी बी सी निकाल लेते, अगर मैंने एक ट्राइंगल यूज किया, ट्राइंगल यूज किया मैंने पी बी सी, अब पीबीसी में देखेंगे हमारे पास एच दे रखा ये नहीं दे रखा ना मेरे पास, ये तो फाइंड करना है। अब ये देखेंगे पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोलने में, तो पी बाई बी किसमें दे रखा है, मतलब पी बाई बी, तो पी बाई बी से दे रखा है, तो टेन मेरे पास कितना हो जाएगा, टेन 30 इज इक्वल टू पी बाई बी, तो पी बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर मेरे पास पी बाई पी बी का मतलब दे रखा है 3 और बी सी हमको फाइंड करना था, तो पी बी मेरे पास कितना दे रखा 3 और ये बी सी का बी सी है, तो टेन 6 30 कितना होता है 1/3
रूट थ्री होते हैं और ये थ्री अपॉन डी सी होगा। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा बी सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल हो जाएगा 3√3 मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, एक तरफ की साइड आ गई। अब सेकंड वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल इधर वाला लेंगे। अब ट्रायंगल मेरे पास क्या है, मेरे पास पी ए बी इन ट्रायंगल पी ए बी। अब पी ए बी में कितना होगा देखिए, अब हाइट ये तो मेरे पास पता ही है, हाइट तो पता ही इसकी, ये नहीं पता बी बी एस, तो किस में आता पी बाई बी टेन में आएगा ये भी, तो पी बाई बी इज इक्वल टू टेन 45 है ना। अब देखिए P परपेंडिकुलर कितना थ्री दे रखा है, B कितना है, AB फाइंड करना है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो ये मेरे पास AB कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो AB मेरे पास कितना आ गया 3 मीटर। हमको विड्थ बतानी थी, तो जो मेरे पास विड्थ आएगी वो कितनी हो जाएगी AB प्लस BC, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3√3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 कॉमन ले लो 1 प्लस √3 मीटर। देखो ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन आपको लग रहा होगा कि कैसे हम इमेजिनेशन कैसे करेंगे कि एक ब्रिज बनेगा, ब्रिज मत बनाओ, ब्रिज एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट से क्या बोला कि हाइट कितनी है, मतलब जो आप ब्रिज के ऊपर खड़े हो टॉप के ऊपर, वो टॉप से लेकर के जो पानी जहां से बह रहा है उस पानी को टच करते 3 सेंटीमीटर का हाइट बना दी वर्टिकल लाइन, ठीक है। अभी डिफ्रेशन एंगल पता है कि ऊपर बनते हैं, तो ऊपर वाली जो लाइन जो पटरी आप जाते हो ना चलते हो उससे, उसे 30 डिग्री का और 45 डिग्री इधर बना लो, 30 डिग्री का इधर 45 डिग्री का बना लो, उसको टच करा दो नीचे, तो ये जो 30 का बना था एंगल तो नीचे वाला 30 बने, क्यों, क्योंकि आपके पास इसलिए एंगल बनेगा कि दो मेरे पास अगर पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके ट्रांसवर्सल एंगल क्या होते हैं मेरे पास बराबर होते हैं ना, तो वो वाला कंसेप्ट लगाकर यूज कर दिया मैंने 30 ये था, तो अगर ये डिप्रेशन 30 था तो ये 30 एंगल हो जाएगा, ये एलिवेशन एंगल हो जाएगा, ये 45 डिग्री अगर डिप्रेशन था तो 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, उसके एलिवेशन के बराबर हो जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट माना था वहां से 30 डिग्री का डिप्रेशन से मैंने वो लाइन थी और इधर से 45 डिग्री डिप्रेशन एंगल था। अभी ब्रिज बनाया था, ब्रिज आप ऐसा ही बनाओ, ब्रिज मतलब नहीं भी बनाओ चल जाएगा, सिंपल ये डायग्राम बनाओ तो चल जाएगा, क्योंकि आप एक पॉइंट ड्रॉ किया है, एक पॉइंट से आपने क्या किया है पेंडुलम ड्रॉ के 3 मीटर का नीचे डिप्रेशन एंगल है 30 बनाया 45। आप कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है क्या फाइंड कर रहा है, बस दो चीज को अप्लाई कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर्स लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक ऑफ द स्ट्रिंग। स्लैक ऑफ द स्ट्रिंग मींस उसमें कोई झुरियां नहीं है, बोलते हैं ना जैसे आपके पास जब काइट उड़ाते हो तो आपके पास स्ट्रिंग थोड़े से बंक खा जाते हैं उस बीच में से, तो मान लेते आपके पास जैसे आप ये काइट उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये काइट था आपका, ठीक है, ऐसा कुछ काइट है ऐसे, ठीक है, तो ये आपका काइट उड़ रहा था यहाँ से, ठीक है ना, जिस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, स्लैक नहीं है, ठीक है ना, मतलब उसमें कोई भी झुरियां नहीं है, तो जो आपके पास ये जो हाइट थी इस काइट की यहाँ से किससे ग्राउंड लेवल से, वो उसकी हाइट को पता करना है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लेनी है, ठीक है, नो स्लैक बोला है, तो ये बोला मेरे पास 100 मीटर, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बता रखी है 100 मीटर, उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, और स्लैक अगर देगा तो उसमें माइनस कर देते, सपोज करो स्लैक इधर 2 मीटर की, तो 100 में से 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा 98। अब एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये बोला कि हॉरिजॉन्टल से, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं बोलता तो काइट बोलता, तो काइट से एंगल कितना था, काइट से एंगल बनाते उसके ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर देते और ये एंगल बनाते, फिर ये भी साइड का होगा, ठीक है ना, ये 60 डिग्री होगा। अब पूछी थी इसकी हाइट, अब ये क्या बताया था मैंने, जहां से भी एंगल मेरे पास बनता है उसको क्या बोलते हो आप, बेस बोलते हो, उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर हो हाइपोटेनस। अब पूछा हाइट था मेरे पास, अब ये देखना का क्या दे रखा है, क्या गिवन है, मतलब क्या गिवन है क्या फाइंड करना है, ये तो मेरे पास गिवन है और ये फाइंड करना है, ठीक है। अब वही था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब इसमें क्या क्या दे रखा है मेरे पास, ये तो परपेंडिकुलर दे रखा है, ये हाइपोटेनस दे रखा, तो पी बाई एच किस में होता है, साइन थीटा होता है, तो मेरे पास साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर दे रखा है एच, इसका नाम दे दीजिए ए बी एंड सी, तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा टीचर का, ठीक है ना, तो मेरे पास एच हाइट होगी और ये हाइपोटेनस कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब साइन कितना दे रखा है, साइन 60 दे रखा है, ठीक है, सोल्व कर लीजिए, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है मेरे पास h/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h मेरे पास बनेगा 100
इंटू रूट थ्री बाई टू, टू से काट दो 50, तो h मेरे पास आ जाएगा 50 रूट थ्री मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो काइट में मेरे पास नो स्लैक्स का मतलब यही होता है कि उसमें कोई झुबिया नहीं है, ठीक है। तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम ग्राउंड अलोंग अ रोप स्ट्रेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड टाइड एट द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। ये बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक जो सर्कस वाले होते हैं ना, क्या करते हैं, एक वर्टिकल पोल लगा रखा है, उस पे उसके टॉप पे रस्सा बांध देते हैं, उस टॉप के रस्से से क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड पे टॉप लगाते हैं तो उस पे चढ़ते हैं ना, क्लाइंब भी करते हैं। तो कहने का मतलब एक पोल था मेरे पास, ऐसा बोल रहा है, उस पोल से क्या कर रहा है, उसने एक रस्सा को बांध रहा है, क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंब कैसे कर रहा है, चढ़ रहा है ना। तो ये जो मेरे पास ग्राउंड में लगा हुआ था ऐसा कुछ, तो यहाँ से उसने खूंटा गाड़ के यहाँ से क्या कर रखा है, पोल से उसको टाइट बांध दिया, अब उस पे वो चढ़ रहा है, यहां से चढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम दे दे, माने ए इसका नाम है, ठीक है, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। अब ये बोला है सर्किल आर्टिस्ट नाम बंदे का, सर्किल जो आर्टिस्ट नाम नहीं है, सर्किल क्लाइंब आर्टिस्ट क्या कर रहा है, वहां से वो क्लाइंबिंग कर रहा है ऑन द ग्राउंड अलोंग रॉक, रॉक जो मेरे पास है स्ट्रेस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, टॉप ऑफ वर्टिकल जो पोल था मेरे पास उससे क्या बांधते, इसको बांधते ग्राउंड से। हाइट ऑफ कितनी दे रखी है, ये वाली दे रखी है मेरे पास 12 मीटर, कितनी दे रखी है 12 मीटर। अब क्या बोला, द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल कितना दे रखा है, ये रोप रस्सी बना रही 30 डिग्री का एंगल, ध्यान रखना, पूछ कहां पर है, वो पोल से बना रही है, या अगर पोल से बोल देगा तो पोल के हिसाब से फिर आपको ये एंगल लेना पड़ेगा, अगर बोलेगा तो पोल के हिसाब से आपको एंगल ये लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा एंगल पूछ रहा है, कौन सा दे रखा है, ठीक है। तो एंगल पोल का दे, ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है। अब पूछ रहा है क्या करना, डिस्टेंस कवर्ड द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग रोप, तो ये डिस्टेंस पूछ रही है, मतलब एसी फाइंड कर रहा है। अब ये देखिए, आपने सबको देखा होगा कि जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, जहां से एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हो, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब क्या किस किस में रिलेशन देखना, ये तो मेरे पास नोन है, ठीक है, नोन है, ठीक है, ये तो नोन है मेरे पास, ये अननोन है, अननोन है। तो मैंने बताया था नॉन और अननोन में रिलेशन देखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले देखेंगे। अब इसमें देखिए पी और एच किस में दे रखा है, पी और एच किस में दे रखा है, साइन थीटा में। तो जो मेरे पास साइन थीटा दे देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो मेरे पास दे रखा है बी सी बाई एच, दे रखा है मेरे पास ए सी, और साइन 30 डिग्री बी सी मेरे पास 12 है, एसी फाइंड करना है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना, 12 एसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एसी कितना हो जाएगा मेरे पास 24 मीटर। तो जो इसकी लेंथ होगी मेरे पास, रस्सी की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली 24 मीटर। तो आपका ये आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।